तो हम पढ़ते हैं केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक है क्या? तो केंद्रक जो है एक कोशिका का क्या है, कोशिकांग है। मैं बताया था ना, जो कोशिका होते हैं उसमें जो कोशिका द्रव्य भरे रहते हैं उसमें जो है छोटे छोटे अलग अलग क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। तो उन्हीं में से एक है कोशिका के जो है, एक कोशिकांग है केंद्रक, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है ये, कोशिकांग है कोशिका की। ओके, तो देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो गोल संरचना आपको दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, ये जो है केंद्रक की क्या है, संरचना है। ओके, केंद्रक की रचना है दिखाई दे रही है। ओके, समझ में आया। उसके बाद देखिए ये जो केंद्रक जो है, ये कोशिका का जो है महत्वपूर्ण क्या है, कोशिकांग है। बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है। क्यों महत्वपूर्ण कोशिकांग है? क्योंकि कोशिका में जितनी भी जो जैविक क्रियाएं जो होती है ना, जैविक क्रियाएं संपन्न होती है, उनका नियंत्रण कौन करता है? तो ये जो केंद्रक जो है ना, यही जो केंद्रक है, ये क्या करता है, कोशिका के अंदर जो है जितने भी कोशिकांग हैं उनमें जो भी जैविक क्रियाएं जो संपन्न होती है कोशिकाओं में, उनका नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रक ही करता है। इसी कारण से जो है केंद्रक को, है ना, केंद्रक को जो है, जो केंद्रक जो कोशिकांग है इनको जो है कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। समझ में आया? क्या कहा जाता है इनको, जो है नियंत्रण कक्ष कहा जाता है, ठीक है ना, कोशिका का। किनको? केंद्रक को। ओके, अब ये जो केंद्रक है, तो केंद्रक में जो है सबसे पहले जो है इनकी संरचना को आप समझ लीजिए। देखिए ये जो है अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं। ओके, ये क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है। उसके बाद जो है ये जो है बाहर में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये जो है केंद्रक झिल्ली है। क्या है? केंद्रक झिल्ली। ओके, उसके बाद जो अंदर जो है, ये जो देखिए ये जो है क्या है, ये जो है केंद्रक है, ये क्या है, केंद्रक है, ठीक है ना। पहले केंद्रक झिल्ली है, फिर केंद्रक है। अब उस केंद्रक में जो है क्या भरा हुआ है, केंद्रक द्रव्य भरा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है, इसमें जो है कुछ कुछ ऐसा जो है द्रव्य क्या हुआ है, केंद्रक में भरा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। ओके, उसके बाद जो है नाभिकीय छिद्र, ये देखिए यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर जो है ये जो है नाभिकीय छिद्र है। ओके, उसके बाद जो है इसी में जो है क्रोमेटिन जाल है। ये आपको जो है जो धागे जैसी ये संरचना आपको दिखाई दे रही है ना इस प्रकार से, ये सब क्या है, ये सब जो है, ये जो आपको जो है धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है, क्रोमेटिन जाल है। क्या है? क्रोमेटिन जाल। उसके बाद जो है आपको ये वाला जो ऐसा गोल आपको जो है चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसा, ये क्या है, केंद्रिका है। ओके, इसके अलावा जो है इसमें जो है आपको जो है राइबोसोम भी क्या होंगे, दिखाई देंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम जो है यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो ये तो आप संरचना जान गए, केंद्रक की संरचना है ना किस प्रकार से होती है। उसके बाद देखिए जो केंद्रक झिल्ली जो होती है ना, केंद्रक झिल्ली वो जो है, केंद्रक झिल्ली जो होती है वो पतली और लचीली और अर्धपारगम्य होती है, ताकि क्या हो सके, इसमें से जो है जो पदार्थ जो है ना, जो पदार्थ का क्या हो सके, इन इसमें से जो है आर पार जो है क्या हो सके। इस कारण से जो है क्या होती है, अर्धपारगमी होती है, ठीक है। जिनमें जो है क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा जो है कोशिका द्रव्य जो है केंद्र के मध्य पदार्थों का क्या होता है, आदान प्रदान जो है वो होता रहे। समझ में आ रहा है? उसके बाद जो है केंद्रक झिल्ली के अंदर जो है गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य भरा होता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। ये जो बताया हूँ ना, इसमें जो भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गाढ़ा पदार्थ जो भरा होता है उनको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, जिसको हम न्यूक्लोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं, अब देखिए 1831 में जो है रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक था, इन्होंने क्या किया था, कोशिका में के जो है केंद्रक की जो है कोशिका में केंद्रक की को जो है खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है ना। और इन्होंने ही क्या किया था, इसके बाद जो है जो 1939 में एक और वैज्ञानिक आया, जे परकिंजे, इन्होंने जो है कोशिका के जीवित पदार्थ को जो है जीव द्रव्य कहा था, ठीक है ना। कोशिका के जो जीवित पदार्थ थे उनको क्या कहा था इन्होंने, जीव द्रव्य कहा था। ओके, उसके बाद जो है 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो जाने के बाद जो है कोशिकाओं को जो है अच्छी तरह से क्या किया जा सका, देखा जा सका, ठीक है। और इस प्रकार से जो है कोशिका को हम क्या कर पाए थे, देख पाए थे, उनकी कोशिकाओं को समझ पाए थे, ठीक है ना। अब इसमें देखिए
ये आपको जो है, ये आपको जो है इस प्रकार से जो धागे नुमा ये जो संरचना दिखाई दे रही है ना, ऐसा ये फैला हुआ है, इनको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन जाल। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन जाल बोलते हैं किनको? इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन जाल। ये जो आपको जो है धागे जैसी जो संरचना दिखाई दे रही है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन जाल। और यही जो क्रोमेटिन जाल जो है, ये जो है जब कोशिका विभाजन जब होती है ना, कोशिका का विभाजन होता है तभी तो नई कोशिकाओं का क्या होता है? जन्म होता है। तो जब कोशिका का विभाजन होता है तो यही जो क्रोमेटिन जो जाल जो है वो क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। और सिकुड़ करके क्या बनाते हैं? छोटे और मोटे तंतुओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। मतलब ऐसा जो है, ये जो धागे के रूप में है ना, ये ऐसा जो है छोटे और मोटे क्या बनते हैं? तंतुओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जिनको हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। ठीक है ना, गुणसूत्र बोलते हैं। किनको बोलते हैं? ये जो क्रोमेटिन जाल, जो जाल जैसी आपको संरचना दिखाई दे रही है ना, ये जिसको हम क्रोमेटिन जाल बोलते हैं। यही जो है जब कोशिका का जो है क्या होता है? विभाजन होता है, उस समय यही जो क्रोमेटिन जो जाल जो है वो सिकुड़ करके जो है वो छोटे और मोटे तंतु के रूप में क्या होते हैं? बदल जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं गुणसूत्र बोलते हैं। और इसी को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है ना, क्रोमोसोम बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, और ये जो क्रोमोसोम जो होता है, ये प्रोटीन और डीएनए किनके बने होते हैं? प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, डीएनए मतलब डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ओके, समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद जो है, अब ये जो गुणसूत्र जो होते हैं वो करते क्या हैं? इनका क्या कार्य है? ठीक है ना, तो गुणसूत्र जो होते हैं वो अनुवांशिक गुणों के, गुणसूत्र जो होते हैं वो अनुवांशिक गुणों के, जो अनुवांशिक जो गुण जो होते हैं ना, उनके क्या होते हैं? अनुवांशिक गुणों के जो है ये क्या होते हैं? वाहक होते हैं। मतलब जो है, ये जो गुणसूत्र होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं? जो अनुवांशिक जो गुण है उनको क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि किसी जानवर को देखेंगे या फिर जो है मनुष्य को ही देखेंगे, तो जो जैसा जो है उनके जो है माँ बाप रहते हैं ना, मतलब जो है संतति जिस प्रकार से जो है, जिस प्रकार से किसी भी जीव जंतुओं की जो है माता पिता होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है उनका जो गुण जो होता है वो किन में चला जाता है? उनके जो संतति जो होते हैं, मतलब जनक से संतति में जो है गुणसूत्र के माध्यम से ही क्या होते हैं? जो गुण जो है ना, मतलब गुणसूत्र के माध्यम से जो गुण जो है जनक से संतति में क्या होते हैं? पहुँचते हैं। तो ये जो गुणसूत्र है इनका कार्य क्या है? अनुवांशिक गुणों का क्या करना है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है पहुंचाना ही क्या है इनका कार्य है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए कि केंद्रक द्रव्य में जो है एक गोल संरचना हमको दिखाई देती है, ये है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं केंद्रिका। और केंद्रिका क्या करती है? ये जो है कोशिका विभाजन में क्या करती है? सहायक होती है। ठीक है, कोशिका का जब विभाजन होता है तो ये क्या होती है? उसके लिए जो है ये जो है सहायक होती है। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद जो है, उसके बाद हम आगे समझते हैं, है ना, यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया क्या? केंद्रक हो गया। ठीक है ना, उसके बाद जो है आगे हम जो है ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, तो इस ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें क्या होता है? ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें जो है कुछ कोशिकांग जो है क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। कुछ कोशिकांग क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। जैसे कि माइटोकांड्रिया है, गाल्जी का है, सेंट्रोसोम, अंतः प्रद्रव्यजालिका, ये सब जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। समझ में आ रहा है ना? और अधिकतर जो है ये जो है एक कोशिकीय जीव जो होते हैं ना, उन्हीं में जो है ये जो है क्या होते हैं, मतलब इस प्रकार का जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है पाए जाते हैं। ओके, तो ये तो हो गया आपका क्या? अध्याय 7 है ना, शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका। ठीक है, अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तब हम उसमें क्या करेंगे? नया नया चैप्टर क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।